हेलो बच्चों, लो कहानियों की दादी आपके लिए फिर कहानियों का पिटारा लेके आई है। और आप तैयार हो जाइए। तो बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है दादी का घर। एक था सिद्धार्थ, बहुत छोटा बच्चा था। वह दादी के घर में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन अभी वह बहुत छोटा ही था जब उसके मम्मी पापा ने एक नया घर ले लिया था। तो वो उसको दादी का घर छोड़कर अपने नए घर में ले आए थे। सिद्धार्थ उनके साथ आ तो गया था पर उसका मन नहीं लग रहा था। नए घर में उसको दादी की बहुत याद आ रही थी। वह दादी के बिना रह ही नहीं सकता था। अब क्या करे, छोटा बच्चा था, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। चुपचाप अपने उस नए घर में वो पड़ा रहता था। लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। जहाँ उसका स्कूल था ना बच्चों, उस रास्ते में ही उसकी दादी का घर पड़ता था। तो जब वो ऑटो में बैठा स्कूल जाता होता था तो दादी का घर देख के बड़ा मायूस हो जाता था। वो सोचता था काश कि मैं फटाफट ऑटो से उतर के दादी के घर पहुंच जाऊँ। लेकिन छोटा था, नहीं जा सकता था। टाइम बीतता गया, बड़ा हो गया। अब वो क्या करता है, कभी कभी स्कूल से वापस आते समय ऑटो को अपनी दादी के घर के सामने रुकवा के तो दादी से मिलने आ जाता है। दादी से मिलके उसको बहुत खुशी होती है और दादी भी खुश होती है। पर दादी पूछती है उससे, बेटा घर में क्या किया आए हो, मम्मी पापा को बता के आए हो? तो वो क्या कहता है, झूठ तो नहीं बोलता था, लेकिन कहता है दादी मैं घर में वापस जाके मम्मी पापा को बता दूंगा, आप चिंता नहीं करो। तो उसकी दादी कहती है हाँ बेटा, मम्मी पापा को जरूर बता के आया करो, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे, उनको चिंता हो जाएगी, वो तुम्हें ढूंढेंगे। आगे से जब भी आना मम्मी पापा को बताकर ही आना। कहता ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बताकर आऊँगा। ऐसे दिन गुजरते गए। अब उसकी परीक्षाएं आ गई थी। उन दिनों वो दादी से मिल नहीं पाया था। काफ़ी दिन बीत गए। जब परीक्षाएं ख़त्म हो गई, रिजल्ट आ गया, पढ़ाई शुरू हो गई, तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वह दादी के पास आ गया। लेकिन उसकी दादी ने मुश्किल से उसको दरवाज़ा खोला था। वह बहुत बीमार थी। उसको देखकर वह बड़ा उदास हो गया। उस दिन पता क्या हुआ, वह सारा दिन अपनी दादी के पास ही रहा, दादी की सेवा करता रहा, दादी की देखभाल करता रहा। और उसको पता ही नहीं चला, शाम हो गई थी। तब उसकी दादी ने कहा बेटा अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब तुम घर जाओ। तो वो घर आ गया। घर आया तो बाहर उसके मम्मी पापा उसको ढूंढते हुए परेशान हो गए थे। उसके दोस्तों से भी पूछा, भी सिद्धार्थ को किसी ने देखा? उनके दोस्तों ने कहा भी सुबह खेलने तो आया था लेकिन उसके बाद हम स्कूल गए, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, हमें बताया ही नहीं उसने। तो जब वो आ गया तो कहते बेटा देखो हम कितना परेशान हो गए हैं, कम से कम हमें बताकर तो जाते। तो उसने जब कहा मम्मा दादी बहुत बीमार है, आज मैं दादी के घर गया था, आपको नहीं बताया था, मम्मा मुझे माफ़ कर देना, पर दादी बहुत बीमार है। जब उन्होंने ये सुना तो अब कुछ और पूछने की उनकी हिम्मत नहीं रही थी। तो उसके पापा ने सिद्धार्थ को दुलारते हुए कहा बेटा जाओ अब तुम आराम करो, सुबह देखेंगे। सुबह हुई तो उसकी मम्मा ने एक बड़ा सारा टिफ़िन तैयार किया। उसको तैयार करके तो जब सिद्धार्थ स्कूल जाने लगा, कहती ये टिफ़िन ले जाओ, ये अपनी दादी को दे देना। वो इतना भारी टिफ़िन देख के बोला मम्मा दादी इतना सारा टिफ़िन कैसे खाएगी? कहती बेटा आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, अब तुम्हें दादी के पास छिप छिप के जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये टिफ़िन हम सब मिलके दादी के घर खाएंगे। ये सुनकर तो वो
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने में उसके पापा भी तैयार होकर आ रहे। तो पापा तैयार होकर आए तो उन्होंने उसको दुलारते हुए कहा, बेटा अब हम तुम्हारी दादी को आज अपने घर ले आएंगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं और तुम्हारी दादी से मिलते हैं जाके। तो वो बहुत ही खुश था, वो फटाफट गाड़ी में बैठा और पापा उसके दादी के घर ले आए। लेकिन जब वो उतरने लगा गाड़ी के नीचे तो कहता, मम्मा पापा अभी आप मेरे पीछे नहीं आना, अभी यहीं रुको, पहले मैं दादी को बाहर बुला के लाता हूँ। वो भागा भागा गया और दादी की डोरबेल नहीं बजाता था, उसने एक ये अपनी निशानी रखी हुई थी, दादी जब भी मैं आऊँगा हल्की सी थपकी दूंगा दरवाजे पर और मैं कहूँगा दादी मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो। तो उसने उस दिन भी वैसा ही किया, जैसे ही उसकी आवाज़ दादी ने सुनी वह धीरे धीरे आकर उसने दरवाज़ा खोला और वह उसको बाहर ले आया। जब वह बाहर आई तो वो देख के हैरान रह गई थी, उसके बच्चे उसका परिवार उसके सामने खड़ा था, खुशी के मारे दादी की आंखें छलक गई थी। तो वो उस दिन उन्होंने दादी के साथ खूब एंजॉय किया, बातें की, खाना खाया और दादी को उसकी घर ले आए। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को आप पसंद करते हो ये भी ज़रूर लिखना, और ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और भी कहानियाँ लेकर आएगा। और यदि आप चाहो तो अपनी पसंद का प्रोग्राम भी लिखना, ये चैनल ये भी प्रोग्राम आपके लिए ज़रूर बना कर लाएगा। तो बच्चों जय हिंद।